हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। डाउट को कभी भी डाउट मत रहने दीजिए, अदरवाइज ये आपको परेशान करते रहेंगे जब तक कि आप इसको क्लियर नहीं कर लेते। हम बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे थे। बायोमॉलिक्यूल में हमने प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, लिपिड को, पॉलीसेक्राइड, बहुत सारी हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये क्या है इसको समझते हैं, देखते हैं। आइए, जब हमने केमिकल कंपोजिशन, केमिकल एनालिसिस की थी, केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस की थी, जब वहां हमने एनालिसिस की थी तो हमको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिले थे। थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड को हम लोग बायोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं या मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं उसको। इनकी हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंसंट्रेशन होती है, इसको हम मोल पर सेल, मोलैरिटी, मिली मोल पर लीटर से डिनोट करते हैं। ये जो हमारी बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनका होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में भी हो सकता है। ये जो कन्वर्जन होता है उसके लिए कुछ रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शन जो होती हैं हमारी बॉडी में, इसी को सम ऑफ द रिएक्शन, जो टोटल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो ये कन्वर्जन होता है कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे ही मान लीजिए जैसे किसी कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं तो हम बोलते हैं टर्नओवर, वैसे ही हमारी बॉडी का भी जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका भी कुछ टर्नओवर होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम एंजाइम को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती, वो लिंक्ड होती एक दूसरे से, और वो लिंक्ड होती एक दूसरे से और एक पाथवे बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ऐसे ही समझिए जैसे किसी सिटी का ट्रैफिक सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे का सिस्टम होता है। जैसे रोड जो होते हैं वो लीनियर और सर्कुलर हो सकते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे भी लीनियर, सर्कुलर, क्रिस क्रॉस भी हो सकता है। क्रिस क्रॉस का मतलब जैसे हमारे यहाँ तिराहा चौराहा होता है, यहाँ तीन रोड कभी चार रोड, वैसे ही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस का भी मेटाबॉलिक पाथवे भी होता है। ये जो पाथवे होता है उसका भी, जैसे ट्रैफिक सिस्टम का एक रूल होता है, वैसे हमारी बॉडी का जो पाथवे होता है उसका भी एक रूल होता है। कितनी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन होनी है, कितनी स्पीड से होनी है, ये सब तय होता है। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं, चाहे हम बैठे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे ना कर रहे हों, हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं ताकि हमको लाइव कंडीशन में रखा जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी। डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी इसी को हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल हैं, वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करते रहते हैं ताकि हमको लाइव कंडीशन में रखा जाए। हमारी बॉडी के अंदर जो ये मेटाबॉलिज्म होता है उसको तेज करने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो बने हुए होते हैं मेनली प्रोटीन के, मेनली ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ज़्यादातर ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिनका एक नाम होता है जो आप, जिससे आप बहुत दिन से फैमिलियर होंगे, इंजाइम बोलते हैं हमको। इंजाइम हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं सभी इंजाइम की प्रेजेंस में होती हैं, और इंजाइम हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं उसको बहुत ही तेज़ कर देते हैं। ये कितनी तेज़ होती है जब ये हम इंजाइम को डिस्कस करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि एक घंटे में कितना बन रही थी, सेकंड में कितनी बनने लगती हैं जब इंजाइम डाल देते हैं। जब इंजाइम नहीं होता तो घंटों में भी बहुत ही कम प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म होता कितने तरीके का है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो तीन तरीके का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म, तीसरा एम्फीबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म होता है जब किसी चीज का डिग्रेडेशन होता है, जब किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है, जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में होता है, हमारी स्केलेटल मसल्स में होता है और बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो बनता है ग्लूकोज के डिग्रेडेशन से, ये एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म का। आप याद रख सकते हैं सी फॉर कैटाबॉलिज्म, सी फॉर कट, कट होता है, ब्रेकडाउन होता है कैटाबॉलिज्म में। जबकि एनाबॉलिज्म, जब कोई चीज का, किसी चीज का सिंथेसिस होती है, जब कोई चीज बनती है तो हम उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कब बोलते हैं, जब कोई चीज बनती है, जैसे
एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये है कोई चीज बन रही है तो एनाबोलिज्म। जब दोनों प्रोसेसेस होते हैं तब हम बोलते हैं एम्फीबोलिज्म। एम्फीबोलिज्म जैसे रिस्पिरेटरी पाथवे है जिसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में इसी क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी में। जब किसी चीज का डिग्रेडेशन होता है, जब कैटाबोलिज्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जबकि एनाबोलिज्म किसी चीज को हमको बनाना है, कोई चीज हमको सिंथेसिस करनी है, किसी चीज का सिंथेसाइज करना है किसी चीज को, तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है। यानी यहाँ एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पर एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। जबकि एम्फीबोलिज्म में दोनों काम होता है। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज डिग्रेड होता है, जब टूटता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो 10 रिएक्शन सीरीज वाइज होती हैं, लिंक्ड रिएक्शन होती हैं, जिसको हम लोग रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। लेकिन एक बात कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के फॉर्म में रिलीज वाली होने वाली एनर्जी को हम लोग बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिसमें से सबसे फेमस एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमको अपनी बॉडी में एनर्जी का स्टोर कैसे करना है, यूज कैसे करना है, बनाना कैसे है, ये हम बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन बायोकेमिस्ट्री कहना ज़्यादा सही है, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे करना है, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। आज हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया, यानी डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी को डिस्कस किया। इसको डायनामिक फ्लो या डायनामिक स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम चाहे डायनामिक हो ना हो, हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती रहते हैं हमको लाइव कंडीशन में रखने के लिए। हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इन मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इन मेटाबॉलिक पाथवे में, ये मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है बेहद स्मूथ होता है और कोई भी हेल्दी कंडीशन में कोई भी मिसहैप नहीं होता। इन रिएक्शंस का एक रेट होता है, एक डायरेक्शन होती है।